किश्तवाड़ जम्मू ज़िले का एक फलता फूलता खूबसूरत ज़िला है। यहाँ के लोग आम तौर पर पहाड़ियों या फिर चिनाब के किनारे रवा दवा बसे हुए हैं। तहसील पाडर किश्तवाड़ का एक अहम और खूबसूरत इलाका है। एक दूर दराज और दुश्वार इलाका होने की वजह से यहाँ के लोगों को मदद की बहुत ही ज़रूरत रहती है। फिर भी मकामी लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इन हसीन पहाड़ों में हंसते खेलते गुजारते हैं। पहाड़ जो है बत्ती मौजात पर वाक़ है। मौजा गुलाबगढ़ पहाड़ का सेंटर है। यहाँ शीतल सिंह का विराज रहा है, छत्र सिंह का विराज रहा है, उसके बाद गुलाब सिंह के नाम से भी इसका नाम ये गुलाबगढ़ रखा गया है। पहले इसका नाम था शीतलगढ़, उसके बाद छत्रगढ़, छत्रगढ़ के बाद गुलाबगढ़। अब गुलाबगढ़ जो है पहले यहाँ 180 कुंभे रहा करते थे। जब जोरावर सिंह कल्होरिया ने यहाँ आकर अपना आक्रमण किया, ये स्टेट जम्मू कश्मीर के साथ नहीं था पहाड़ का एरिया, बल्कि चंबा के साथ मदगम था, तो यहाँ रानों का राज था। जब चंबा के छत्र सिंह राजा ने यहाँ आकर आक्रमण किया, हमला किया, तो गुलाबगढ़ को छत्रगढ़ को बदला कर गुलाबगढ़ रखा गया। उसने वहाँ किला भी बनाया, उस किले के नाम से इसका नाम रख दिया गुलाबगढ़। आज तक ये गुलाबगढ़ के नाम से ही मशहूर है। यहाँ की आबादी जो पुरानी थी वो गांव में चली गई, ग्वाड़ियों में। अब वो ग्वाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें अभी भी लोग गुलाबगढ़ के रह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पुरानी आबादी जो है, यहाँ 25-30 घर जो हैं वो पुराने बंदोबस्ती तौर पर यहाँ रह रहे हैं। आज 1990 से इसकी नई डेवलपमेंट हुई गुलाबगढ़ की, तो काफ़ी लोग यहाँ आकर बसे हैं। खूबसूरत और सरसब्ज पाडर का ये इलाका सदियों से आबाद रहा है। सन 2001 की जनगणना के मुताबिक पाडर तहसील की आबादी 19,399 अफराद पर मुस्तमिल है। पाडर का इलाका राजा महाराजाओं के दौर में चंबा का इलाका होता था। फिर एक समय महाराजा गुलाब सिंह ने जनरल जोरावर सिंह के ज़रिए इस इलाके पर फतह पाई और इसे जम्मू ज़िले में मिला लिया। पाडर की एक अहम और सबसे खास बात यह है, पाडर के इलाके में नीलम बहुतियात तौर पर पाई जाती है, जो कि दुनिया भर में 9 रत्नों में एक नायाब रत्न गिना जाता है।